मेरे उत्तराखंड के ग्राम प्रहरी भाइयों, यह है ग्राम प्रहरी की स्थिति, यह है मेरी घर की स्थिति। मेरे बच्चे दो रोटी सुख से नहीं खा सकते हैं। हमारे मोहन सिंह महाराज जी ने, उनका लड़का तारा महाराज जी ने, उनके जो सचिव हैं उपरेती जी ने हमारा बहुत सहयोग किया। जो हम वहां तक गए उन्होंने हमें मिलाया। हम सफल नहीं हो पाए तो क्या हुआ, और कोशिश करेंगे। जिसमें 3,000 रुपया तारा महाराज जी ने दिए, 1,000 रुपया मोहन सिंह महाराज जी ने दिए, खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई। मेरे भाइयों, उत्तराखंड के समस्त ग्राम प्रहरियों, आपको जागना होगा। हम 15,595 ग्राम प्रहरी है उत्तराखंड के। या तो 2024 का चुनाव बीजेपी का होगा या अन्य पार्टी का होगा। जो हमारे उत्तराखंड जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र मोहन सिंह महाराज जी ने हमारी लड़ाई लड़ी, बहुत कोशिश की, उनके लड़के तारा महाराज और मोहन सिंह महाराज जी ने पैसा भी दिया, खाना खिलाया, ऊपर का फ्लैट भी हमको दिया। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं गरीबी हालत में रहता हूं, कर्ज लेके आया था मैं, कर्ज लेके मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। मेरे भाइयों, ये है हमारा दुर्भाग्य। अब हमको जागना होगा 2024 की लड़ाई में। मैं रो रहा हूं, या हम आत्महत्या करेंगे या हम बीजेपी सरकार को गिराएंगे, या यह सरकार हमारी मांग पूरी करेगी। भाइयों, गरीब आदमी ने गोभी बेच के, टमाटर बेच के, आलू बेच के 15,000 रुपया तेहतुराने के लगा रखे हैं। कौन ग्राम प्रहरी मेरा पैसा दे रहा है, बताइए आप मेरे को। मेरे भाइयों, जागो, अभी भी समय है, 2024 का समय है। यह राजनीति है, इसकी राजनीति चलते रहेगी, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य देखिए आप। हमारा बच्चा 10 रुपये मांगता, हमारे पास नहीं है। स्कूल में बच्चे को खाना नहीं मिलता है, आज तक खाना मिलता है, हमारा बच्चा भूखा घर आता है। मेरे घर वाले के पास ब्लाउज नहीं है। मैं तो गरीबी अवस्था में जी रहा हूं। आपने वीडियो देखा, मन बहुत भावुक हो गया। ये पांडे जी हैं उत्तराखंड से, अध्यक्ष होने के बावजूद भी आज जिस तरह से रो रहे हैं, ये रोना देखा नहीं जा रहा है। रोना मैं देख रहा हूं तो मुझे गुस्सा उस सरकार पर आता है, जो सरकार बात करती है गरीबों की। आखिर इन चौकीदारों के पेट पर लात मारने का काम जो सरकार कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये लगातार संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारे किसी भी चौकीदारों के साथ इस तरीके बर्बरता सरकार करेगी तो यह अन्य त्रिपाठी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।